हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था एडिशन का बटन कैसे आपका वर्क करता है, शो कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को अपने लिस्ट बॉक्स के अंदर। तो ये आपने देखा था। आज हम लोग देखेंगे अपडेट एंड डिलीट का प्रोसेस प्रॉपर वे में। तो अपडेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई आप जैसे आपने ऐड के लिए फंक्शन क्रिएट किया, वैसे ही आप अपडेट के लिए भी कर दीजिए। शो के बाद करना है या शो से पहले आपको करना है वो आपकी मर्जी है। तो हम लोग यहाँ पर एक नया एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, def अपडेट। देखिए फंक्शन तो आपका वही रहेगा और इसमें कोड आपका वही होना है, कंप्लीट कोड आपका सेम रहना है जो आपका इंसर्ट में आपने किया था। तो आप कंप्लीट कोड को यहां पर कॉपी कर लीजिए। तो अपडेट के अंदर भी वही प्रोसेस आपका होना है, केवल क्वेरी आपकी चेंज होगी। तो इस पूरे को आप कॉपी कर लीजिए कहां तक, जहां तक आपने ये एग्जीक्यूट किया था। तो इसके बाद आप इसे यहां पर क्या करेंगे, पेस्ट कर दीजिए। समथिंग आपको चेंज करना है केवल, देखिए डेटाबेस कनेक्टिविटी वही रहेगा आपका, इंसर्ट की जगह पे आप क्या करेंगे यहाँ पर अपडेट की क्वेरी लगा देंगे। सो अपडेट अपडेट की क्वेरी हमें राइट अप करनी है, तो मैं इसे यहाँ से केवल क्वेरी चेंज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपडेट रजिस्ट्रेशन, अपडेट रजिस्ट्रेशन सेट। अब सेट जो जो आपको करना है, ईएमपी नेम, एम्प्लॉय नेम की जगह पे इक्वल टू परसेंट एस आप कर देंगे, कॉमा मोबाइल इक्वल टू परसेंट एस, दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी। तीसरा आपको देना है सैलरी इक्वल टू परसेंट एस, देन नेक्स्ट आपको वेयर वेयर आपने आईडी इक्वल टू कर दिया है परसेंट एस। अब वैल्यू में थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले आपने एम्प्लॉय नेम लिया है, तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट का नेम आप एंटर करेंगे सबसे पहले और आईडी आपकी सबसे लास्ट में। तो फीस के बाद आपको क्या करना है, एक फील्ड और देनी है यहाँ पर, यहाँ पर आप दे देंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी आप क्या करेंगे लास्ट में दे देंगे। और प्रोसेस आपका वही रहेगा, एसक्यूएल वैल्यू एसक्यूएल डीबी कमिट वो भी आपका वही प्रोसेस रहेगा, लास्ट वही रहेगा। इंफॉर्मेशन में आप यहाँ पर लिख दीजिए रिकॉर्ड अपडेटेड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड अपडेटेड, अपडेटेड हमने कर दिया है। देन वही प्रोसेस रहेगा, नेक्स्ट एक्सेप्शन भी आपका वही रहेगा। अब आपको लास्ट में आना है जहाँ आपने अपडेट का लिखा है, यहाँ पर भी आप कमांड दे देंगे कमांड के थ्रू इक्वल टू, ये किसे कॉल कर दे आपका अपडेट, अपडेट फंक्शन को ये कॉल कर देगा आपका, कॉमा करके आप यहाँ पर राइट अप कर दीजिए। तो ये आपका अपडेशन प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सेव करेंगे आप इसे, रन करके चेक करेंगे, देखिए ये आपकी वैल्यू है, ये एक्सेस हो रही है। मान लीजिए आपको 45 वाले को अपडेट करना है, तो आप एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दे दीजिए। आप सेलेक्ट करके भी कर दे, आप कुछ आ रहे हैं डबल सेलेक्ट करें तो वो वैल्यू यहाँ एक्सेस हो जाए, तो वो भी अभी हम देखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर 45 डायरेक्ट करते हैं। एम्प्लॉय नेम हम लोग चेंज कर देते हैं एज अ करण मैंने लिख दिया इसको, मोबाइल नंबर हमने कुछ भी यहाँ पर राइटअप कर दिया है, सैलरी कुछ भी हमने ले ली है 10,000। एंड अपडेट आप करेंगे तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड अपडेटेड, ओके आप करेंगे। क्लोज करने के बाद जब आप दोबारा इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर 45 आपका वैल्यू जो है वो अपडेट होके आपका रिटर्न कर रहा है। तो ये आपका अपडेशन प्रोसेस है। इसी अपडेशन में आपको डबल क्लिक करके वैल्यू को ऑटोमेटिक एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप गेट वैल्यू फंक्शन यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो टॉप में आ जाइए, टॉप में ऐड से पहले हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ताकि आप जैसे डबल क्लिक करें तो वो वैल्यू आपके वहाँ एक्सेस हो जाए। तो डी एफ यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, गेट वैल्यू, गेट वैल्यू एक फंक्शन हम लोग ले लेते हैं और ये एक इवेंट की तरह काम करेगा आपका। सो इवेंट भी हमने लिखा है यहाँ पर, देन इसके अंदर आप ले लेंगे इवन, इवन डॉट डिलीट, इन सबको आप पहले तो डिलीट कर दीजिए, इवन से ई फोर तक वैल्यू, ये कोड तो आपका सेम रहेगा यहाँ पर, इवन ई फोर तक आपने इसको एंड कर दिया है। सो इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया रो आई डी इक्वल टू लिस्ट बॉक्स डॉट सेलेक्ट, सिलेक्शन सिलेक्शन आप करेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो इंडेक्स हम लोग दे देते हैं कि जीरो इंडेक्स ये एक्सेस करें, देन सेलेक्ट इक्वल टू लिस्ट बॉक्स डॉट सेट, और यहाँ पर सेट कर देंगे हम कौन सा रो आईडी को, आईडी को हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे। देन
इसके बाद आपको क्या करना है, आप इवन में इंसर्ट करना है, इवन डॉट इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन हम लोग ले लेते हैं एंड इसमें सेलेक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट में आपको जो भी पहली फील्ड आपको एक्सेस करनी है, देखिए आपको पहली फील्ड क्या एक्सेस करनी है, आप अगर अपने सेलेक्ट के अंदर देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या क्या है इसमें आप यहाँ पर चेक करेंगे। तो सेलेक्ट के अंदर आईडी है आपका, ई नेम है जो आपने यहाँ पर एंटर की है, आईडी, ई नेम, मोबाइल एंड सैलरी, तो सेम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सो आईडी सेम इसको आप कॉपी कर लीजिए, चारों फील्ड आपको एक्सेस करनी है यहाँ पर, सेकेंड फील्ड, थर्ड फील्ड एंड फिफ्थ फील्ड, फोर्थ फील्ड। ये फील्ड आपकी कौन सी वाली फील्ड है, ये फील्ड है आपकी ये वैल्यू, ये जो है आईडी, ईएमपी नेम, मोबाइल एंड सैलरी, तो सेम आपको यहाँ पर लिखना है, आईडी है, दूसरा है ईएमपी नेम, देन मोबाइल एंड देन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सैलरी, ये हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर लास्ट में एक कोड और राइट अप करेंगे जिसके थ्रू आपका गेट होगा डेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लिस्ट बॉक्स डॉट बाइंड, बाइंड आप कर देंगे सिंगल कोड के अंदर, हम लोग इसको ले लेते हैं एज अ डबल बटन, डबल बटन वन आप करेंगे और इसके यहाँ पर कॉल कर देंगे गेट वैल्यू को, सेव करेंगे आप इसे, रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए अभी आपका जो है सारी वैल्यू जो है एक एंट्री सेक्शन के अंदर ही आ रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमने इसको कॉपी पेस्ट किया था तो इवन 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 ये वैल्यू हमने इवन इवन कर दी थी गेट वैल्यू के अंदर, तो इसे आपको चेंज करना है। यहाँ पर ई टू आपका हो जाएगा, ये आपका ई थ्री हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ई फोर। नाउ आप इसे सेव कीजिए, रन करेंगे आप इसे, रन करेंगे तो आप देखिए आप किसी भी एलिमेंट को डबल क्लिक कीजिए, तो मैंने ये डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कैलास ये हो गया। अब मैं इस कैलास को चेंज कर देता हूँ एज अ राम लिख देते हैं हम लोग, राम एंड और वैल्यू आपकी वही रहेंगे। अपडेट करेंगे तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड अपडेटेड, ओके आप करेंगे, देन इसको क्लोज करके दोबारा से आप जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कैलास चेंज हो जाएगा आपका राम से। अब नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे डिलीट के लिए, तो डिलीट के लिए भी आपको क्या करना है, एक न्यू फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। तो अपडेट के बाद हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं एज अ डिलीट का। सो यहाँ पर आप एक डिलीट का फंक्शन क्रिएट कर दीजिए, df डिलीट फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया है। डिलीट के अंदर अब देखिए कोड तो आपको वही लिखना है जो कोड आपने इंसर्ट में किया है, अपडेट में किया है, केवल कंडीशन आपको चेंज करनी है। सो डिलीट के लिए आप पूरा कोड कॉपी कर लीजिए, सेम कोड आपको यहाँ पर भी राइट अप करना है, पेस्ट करेंगे आप। अब देखिए डिलीट के लिए केवल आपको आईडी चाहिए, अदर नेम नहीं, नेम और ये वैल्यू नहीं चाहिए, तो इनको हटा दीजिए आप। कनेक्टिविटी कोड आपका वही रहेगा, एसक्यूएल कमांड आपकी चेंज हो जाएगी, एसक्यूएल में आप यहाँ पर लिख देंगे डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम है आपका रजिस्ट्रेशन, वेयर आईडी इक्वल टू परसेंट एस दे देते हैं, आपने परसेंट एस दिया है तो आप वैल्यू में भी आपको केवल आईडी ही देना है यहाँ पर, अदर वैल्यू आपको नहीं एंटर करनी है आईडी के बाद, क्योंकि हमने ये लिस्ट सॉरी एक टपल क्रिएट किया है, तो कॉमा करके आप इसको डिफाइन कर देंगे और वैल्यू वही रहेगी आपकी, ये इंफॉर्मेशन वही रहेगा। एम्प्लॉय रिकॉर्ड डिलीटेड आप यहाँ पर मैसेज दे दीजिए, डिलीटेड हम लोग कर देते हैं एंड अदर वैल्यू सेम आपका रहेगा, क्लोज आपका वैसे ही होगा। देन उसके बाद आप डिलीट फंक्शन में भी एक कमांड राइट अप कर देंगे, डिलीट बटन के अंदर भी आपको क्या लिखना है यहाँ पर, कमांड इक्वल टू डिलीट, डिलीट कमांड आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे, सेव करेंगे आप इसे, देखिए रन करेंगे। अब देखिए किसी एलिमेंट को आपको रिमूव करना है, मान लीजिए मुझे इसे रिमूव करना है, तो आप डबल क्लिक करके इसको एक्सेस कीजिए पहले एंड देन डिलीट आप करेंगे तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड डिलीट, ओके आप करेंगे, देन आप इसको दोबारा से ओपन करेंगे तो आपका वो एलिमेंट जो होगा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप सारा प्रोसेस अगर माई सिक्वल पे देखना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए आप, सेलेक्ट
एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम है आपका रजिस्ट्रेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर जितना प्रोसेस आपने अभी तक किया है वो सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर डेटाबेस में भी शो हो जाएगा। तो ये आपका कनेक्टिविटी है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये पूरा प्रोसेस आपका है। थैंक यू स्टूडेंट।